महात्मा गा रहे थे, खोदत खोदत चूहा मर गए, खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करी सरपंगा ने, खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करी सरपंगा ने, सींचत सींचत माली मर गए, मौज करी भौरंगा ने, जोरत जोरत जोरी मर गए, मौज करी खरचंगा ने, और सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करी सत्संगा ने। मौज में तो वही है सो सत्संग में है। तो चूहा सतत परिश्रम करता है, गणेश भगवान इस पर बैठ के चलते हैं। संकेत बिल्कुल सीधा है, जो सतत परिश्रम करते रहेंगे उनके घर में ही रिद्धि और सिद्धि जाकर निवास करेगी। समझ रहे हैं आप? जो आलसी होंगे समाज में, जो अकर्मण्य होंगे, उनके घर में कभी रिद्धि सिद्धि का निवास नहीं हो सकता। जो कर्मठ व्यक्ति हैं, जो पुरुषार्थ करने वाले हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, उन्हीं के घर में रिद्धि सिद्धि का वास होगा।